तो ये देखिए, वो लाख खंडन करें लेकिन आज न कल, जनता दल के विलय अवश्यंभावी है। उसे मैंने तो कहा विलय या विलीन, अगर जनता दल का विलय नहीं हुआ तो वो विलीन हो जाएंगे, वो पार्टी इतिहास के पन्नों में सिमट जाए। इसलिए उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज न कल जो जगता बाबू ने कहा कि वो नई पार्टी बनाकर तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंपेंगे और खुद देश की राजनीति करने चले जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि आप कहिए तो मैं रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हूँ, मैं एफिडेविट करने के लिए तैयार हूँ। आज न कल ये होने वाला, ये होगा। उनका तो प्रयास था कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है उसका भी विलय हो जाए। जो जनता पार्टी के जो पुराने घटक हैं, बीजू जनता दल, इंडियन नेशनल लोकदल, JDS, RJD, JDU, समाजवादी पार्टी, इन सभी पार्टियों का विलय हो जाए, लेकिन बीजू जनता दल ने इनकार कर दिया। JDS जो वो KCR के साथ चली गई, उसको इस विलय में कोई फ़ायदा दिखाई नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी की भी संभावना नहीं है कि वो इसमें आएगी, क्योंकि उनको लगता है कि इस विलय में आने से उनको कोई लाभ नहीं है। और नीतीश जी भूल गए कि 2015 में भी उन्होंने विलय का प्रयास किया था। नीतीश जी बताएं कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी क्या बातचीत हुई थी, मुलायम सिंह यादव को नई पार्टी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर, और जनता दलों के विलय का निर्णय हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन संपत्ति के बंटवारे को लेकर उस समय की वार्ता टूट गई थी। इसलिए आज न कल बाकी दलों का विलय हो ना हो, लेकिन RJD और JDU का विलय ये अवश्यंभावी है। इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, लाख उनको क्या मालूम है, जो लोग बोल रहे हैं उनको मालूम है क्या? उनको ये भी मालूम था क्या कि गठबंधन RJD के साथ होने जा रहा है? तो इसीलिए ये आज न कल ये विलय होगा, और नहीं विलय हुआ तो पार्टी विलीन हो जाएगी। इसलिए विलय या विलीन, यही दो विकल्प हैं नीतीश कुमार के सामने, या तो विलय करो या पार्टी को विलीन कर दो, हमेशा के लिए पार्टी विलीन हो जाएगी। इसलिए देखिए, जनता को धोखा दे रहे हैं, लेकिन बिहार के नौजवान धोखे में नहीं आने वाले हैं। अभी तक सातवें चरण की बहाली का क्या वक्त पता ही नहीं है, तो सारी बहालियाँ रुकी हुई हैं, और ये कोई 10 लाख तो क्या, ये लाख भी बहाली कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, पर मोकामा में जो चुनाव हो रहा है, मोकामा में झड़प देखने को मिला है, जिस तरीके से सुबह से खबर भी आ रही है, अभी कुछ देर पहले मोकामा के बारे में एक जो सूचना मिली वो बहुत ही दुखद है, कि बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव जो हैं वो चुनाव क्षेत्र में घूमते हुए पाए गए, लोगों से वोट मांगते हुए पाए गए, जबकि नियम है कि चुनाव के 48 घंटा पूर्व कोई भी बाहर का व्यक्ति चुनाव क्षेत्र में नहीं रह सकता, और वह भी एक मंत्री। तो ये सुरेंद्र यादव का इतिहास बूथ लूटने का रहा है। इसके पहले भी इन्होंने ये बूथ लूटते रहे, बेला में हो या गया के अंदर, तो फिर इनको लगता कि पुराने दिन लौट कर आ गए। लेकिन देखिए, ये लाख जतन कर लें, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लें, हेलीकॉप्टर से घूम कर प्रचार करें, दोनों क्षेत्र में जो अभी तक की रिपोर्ट हम लोग को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज और मोकामा दोनों जगह इतिहास रचने जा रही है। गोपालगंज में 5वीं बार चुनाव जीतेंगे, और मोकामा के अंदर जो लोगों को लगता था कि छोटे सरकार कभी हार नहीं सकते हैं, इसलिए इस बार छोटे सरकार भी चुनाव हार जाएंगे, उनकी पत्नी चुनाव हार जाएगी, और वहाँ पर कमल खिलेगा।